तीन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई आपूर्ति विभाग की। उसमें सर्वप्रथम था कि जो NFSA के बाहर जो लोग लाभों के छूट गए हैं उनको राज्य के खाद्य सुरक्षा जो कार्यक्रम के अंदर के ग्रीन कार्ड बनाई जा रही है उसकी समीक्षा की गई, कितनी एंट्री की गई है, कितनों कार्ड प्रिंट होने की प्रक्रिया है, इन सभी बातों की समीक्षा की गई है ताकि 20 से 22 तारीख तक हम लोग इस कार्य को पूर्ण कर सके। इसके अलावा अभी धान अधिप्राप्ति के कार्यक्रम शुरू किया गया, हमारे 24 अधिप्राप्ति केंद्र हैं उसमें मात्र एक अधिप्राप्ति केंद्र पर शुरू हुआ है, बाकी सभी जगह पर भी अधिप्राप्ति को शुरू कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा धोती साड़ी योजना की कुछ बकाया राशि को वापस करना था उसकी समीक्षा की गई एवं NFSA के अंतर्गत PDS डीलर वाइज ब्लॉक वाइज कितने राशन की लिफ्टिंग हो गई है, कितना का लिफ्टिंग नहीं हुआ है, इन सभी की समीक्षा की गई। चीनी एवं नमक का वितरण की भी समीक्षा की गई। ऐसे बकायेदार जो राइस मिलर हैं जिनका बकाया राशि है उन पर सर्टिफिकेट पेश करने की भी कार्रवाई शुरू की गई है। कितने केंद्र बनाए गए थे? 24 केंद्र बनाए गए। फिलहाल एक चल रहा है? नहीं, एक से धान की प्राप्ति शुरू हो गया है, मतलब एक पे किसान आया। हमारे 24 फंक्शनल है पर किसान अभी आए नहीं है। संभवतः अभी जो है कि धान में अभी थोड़ा सा मॉइस्ट है, इस कारण से किसान लोग भी नहीं आ रहे, बट आज सभी प्रखंड के आपूर्ति अधिकारी को और कॉपरेटिव अधिकारी को दिया गया निर्देश कि कम से कम सभी प्रखंड में जितने भी प्राप्ति केंद्र हैं हमारे वहाँ पर अधिप्राप्ति के लिए किसान जो हैं उनको बुलाकर सेंटर पर लेकर आए और उनका अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराएं। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।